मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे झज्जर वाले बहन जी भी कहते हैं, वोट भी देते हैं। बेटी बचाओ का नारा देने से क्या बेटियां बच जाएंगी? बेटियों को बीजेपी के नेताओं से बचाओ। हम तो बीजेपी और जेजेपी का सफाया चाहते हैं। हमारी बहन मंत्री हैं, थोड़ा सा समय रह गया है, थोड़े से कम कलायत का कल्याण करने का काम करें वो। जिस दिन भी वो कलायत की आवाज को विधानसभा में उठाएंगे, गीता बुक्कल उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए कलायत, बधाई में क्या मिलने वाला है कमलेश दादा को? देखियो, हम तो बधाई नहीं, हम तो बीजेपी और जेजेपी का सफाया चाहते हैं। कोई बधाई मैं उनको नहीं दूंगी। एक विधायक और मंत्री के रूप में उन्होंने दायित्व अच्छे से निभाने का काम नहीं किया। हमारी बहन बेटियों को दूर दूर तक ट्रांसफर, पोस्टिंग और इस तरह से मामले कई उठे। मुझे याद है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया। जो आशा वर्कर्स हमारी पंच या सरपंच बनी, उससे इसी सरकार ने इस्तीफा मांगने का काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल नारे की एडवोकेसी करते हैं, बेटियों पर अत्याचार इस सरकार में हो रहे हैं। संदीप सिंह इसी क्षेत्र से मंत्री हैं। मैं कड़े शब्दों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की निंदा करती हूँ। बेटी बचाओ का नारा देने से क्या बेटियाँ बच जाएंगी? बेटियों को बीजेपी के नेताओं से बचाओ, ये नारा हमें देना पड़ेगा। और कोई बधाई नहीं, अगर वो काम करें, आवाज़ उठाएं, तो मैं मजबूती से उनके साथ खड़ी हूँ। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीजेपी जजपा ने केवल और केवल यहाँ से वोट लेने का काम किया है। मैनिफेस्टो में जो वायदे थे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में एक यूनिवर्सिटी, अच्छे शिक्षण संस्थान, यहाँ पर तो हमारे MBBS के बॉन्ड पॉलिसी के तहत हमारे डॉक्टर्स धरना देते रहे, हम उनकी मांगों के समर्थन में खड़े रहे। बेरोजगार युवा अगर बेरोजगारी भत्ता मांगते हैं तो उनको लाठी चार्ज करते हैं। विशेष तौर से ये सरकार की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पदों को समाप्त किया जा रहा है, कौशल विकास के तहत जो हैं कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की जा रही हैं, शिक्षकों की इतनी बड़ी कमी, प्रोफेसर्स की इतनी बड़ी कमी, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बड़ी कमी है। आपने आईपैड लैपटॉप देने की बात कही, उसमें पूरा ई कंटेंट आपने अभी तक नहीं दिया है। स्कूलों में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे साइंस और कॉमर्स के स्कूल जो बंद किए, 1056 के करीब पहले, और कुछ स्कूलों को अब किसी भी स्कूल खोलने के लिए बहुत बड़ा एक लंबा कार्य। अभी मुझे जो है, मुझे आरोही मॉडल स्कूल जो हमारे समय में हमारे हरियाणा में 36 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में जो आरोही मॉडल स्कूल्स बने, मुझे स्टाफ और प्रिंसिपल मिला। और हमने इस मामले को हमेशा से विधानसभा में भी मजबूती से उठाने का काम किया कि जब ये बात हो गई थी कि 2017 में इनके रूल्स बना दिए जाएंगे, इनको मर्ज करके पक्की भर्ती इनको माना जाएगा, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर जो हैं PhD हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, वेल क्वालिफाइड हैं। तो सरकार ने बहुत अनदेखी का शिकार हुए हैं ये संस्थाएं हमारी। हम चाहते हैं चाहे ITI की बात हो, स्कूल्स की बात हो, कॉलेजेस की बात हो या यूनिवर्सिटी की बात हो, जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है उसको तुरंत प्रभाव से जो है भर्ती की। बेरोजगार युवा हमारा धक्के खा रहा है। आप जो युवा हमारे देश में हित में देश सेवा करना चाहते हैं, जो रेगुलर जो है सैनिक भर्ती होना चाहते हैं, केवल आप सेना की भर्ती को भी कॉन्ट्रैक्ट करके जो है अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ा भद्दा मजाक हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ हो रहा है। बात देखिए, जो कलायत की विधायक हैं, हमारी बहन है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन आज तक मुझे याद नहीं कि उनकी आवाज़ कैसी है, मैंने उनको सुना नहीं है। पहले वाले कलायत के विधायकों के लिए कहा जाता था कि थम्बी के पीछे बैठते हैं, अब वो तो मंत्री हैं यहाँ से, और कहा जाता था कि कलायत रिजर्व हल्का इसलिए काम नहीं हो रहा, अब तो जनरल हल्का है, यहाँ पे जनरल के सांसद हैं। उनको मैंने लोकसभा में बोलते हुए नहीं सुना है कि इस क्षेत्र की कलायत की आवाज़ को वो कभी उठाते हों, बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को उठाते हों, जो अग्निवीर भर्ती के लिए युवा बैठे रहे उनको उठाते हों। हमारा किसान अन्नदाता अर्थव्यवस्था की हमारी रीढ़ की हड्डी, धरना प्रदर्शन करते रहे, उनके ऊपर लाठी चार्ज करके केसेस तो बनाने का इन्होंने काम किया, लेकिन उनकी आवाज़ को नहीं सुनने का काम किया। हमारी बहन मंत्री हैं, थोड़ा सा समय रह गया है, थोड़े से कम कलायत का कल्याण करने का काम करें वो। और यहाँ पर हमारी कलायत जो है हमारी कपिल मुनि जी की बहुत पवित्र पावन धरती है, बड़ी लोगों ने उम्मीद के साथ बनाया है। आप एक सशक्त महिला के रूप में, अगर मैं आपको एक आश्वासन आपके चैनल्स के माध्यम से देना चाहती हूँ, जिस दिन भी वो कलायत की आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे, गीता बुक्कल उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हुए कलायत के हित में, चाहे यहाँ के कॉलेजेस की बात हो, स्कूल्स की बात हो, रोड्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे यहाँ के पीने के पानी की बात हो, रजवाहों की बात हो, या कोई भी विषय होगा,
तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ, ये मेरी ससुराल भी है, ठीक है, मेरा विधानसभा क्षेत्र कलायत नहीं अब इस समय झज्जर है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है मैं मजबूती के साथ यहाँ के जो भी विकास के कार्य होंगे उनको मैं मजबूती से उठाने का काम भी करूँगी। तो मैं चाहती हूँ यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, उनकी सरकार में इस समय हिस्सेदारी है। जो सांसद हैं वो भी बीजेपी के सांसद हैं, जिनकी केंद्र में सरकार है, जिनकी राज्य में सरकार है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे झज्जर वाले बहन जी भी कहते हैं, वोट भी देते हैं और मान सम्मान भी देते हैं, और मैं बड़े मान सम्मान से उनका कार्य करती हूँ। यहाँ एक बहू के नाते जो दायित्व मिला हमने कलायत की आवाज़ को, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, हमने पूरा प्रयास किया, और चौधरी जयप्रकाश जी हमने पूरा प्रयास किया यहाँ पर कलायत विधानसभा क्षेत्र के, चाहे बस अड्डे की मांग हो, रजवा जो भी कार्य हैं सबको मालूम है, हमने करने का काम किया। भाग्य का विषय है कि आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास का आज यहाँ पर गांव रामगढ़ में, जो कि मेरी ससुराल है, उसमें ये कार्यक्रम है, मेरा सौभाग्य है। और हम लोग आज जहाँ सभी को 646वीं जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं भी देते हैं, संत महात्मा किसी जात बिरादरी के नहीं होते, वो सभी के होते हैं। हमें न केवल उनकी जयंती के अवसर पर बल्कि अपने जीवन काल में भी हमेशा जो उन्होंने अपनी वाणी में कहा है उस पर अपने जीवन में जो है उसको लागू भी करने का काम करना चाहिए।